क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है उस पर जरा हम लोग डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो एक फंक्शन दिया गया है और उसका डोमेन निकालना है, और वो फंक्शन कुछ ऐसा दिया गया है। कैसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, एट एक्स प्लस ट्वेल्व, प्लस ट्वेल्व। अब कहा गया है इसमें से ये डोमेन निकालने के लिए। ठीक, चलिए डोमेन कैसे निकलता है देखिए। डोमेन तब निकलेगा एफ एक्स एग्जिस्ट इफ एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमेशा बताया गया है कि अगर ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में नीचे वाला जो वैल्यू होता है मीन्स डेनोमिनेटर, वो अगर जीरो हो गया तो फिर वो वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज जीरो नहीं होना चाहिए तभी ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और डोमेन का डेफिनेशन भी ये भी यही है कि एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होती है। फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जबकि नीचे वाला चीज जीरो नहीं होगा। ठीक है, और यहां से अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर हो गया और फिर इसके बाद यहां से एट एक्स को तोड़ना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, और हो गया नंबर ट्वेल्व को इस तरह से तोड़ना है जो कि इसको अलग अलग सेपरेट करके जो है हम लोग इसको एट एक्स को इस तरह से हम लोग लिख सके। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी मेरे ख्याल से, ये तो टूट ही सकता है। माइनस सिक्स एक्स में तोड़ दीजिए और माइनस टू एक्स में तोड़ दीजिए और प्लस इक्वल टू तेरह, ये हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस सिक्स टू एट हो गया यहाँ पर, और सिक्स टू जो ट्वेल्व हो गया यहाँ से। इसके बाद यहाँ से देखिए एक्स कॉमन कर लीजिएगा तो एक्स माइनस सिक्स बचेगा, यहाँ भी एक्स माइनस सिक्स ही बचेगा, तो फिर यहाँ पर माइनस टू को कॉमन करना पड़ेगा। और हेंस हमको यहाँ से ये पता चला कि x माइनस टू और x माइनस सिक्स ये दोनों इसका फैक्टर नहीं होगा। अगर तो x माइनस सिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो x इज नॉट इक्वल टू सिक्स आ गया एक, और x माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो x इज नॉट इक्वल टू टू आ गया एक। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पर इसका अगर डोमेन अगर लिखना अगर हम लोग चाहें तो बहुत ही आसान है, चूंकि डोमेन जो इसका पूरा रियल नंबर हो सकता है लेकिन केवल सिक्स और टू को छोड़ करके, केवल दो और छह को छोड़ करके जो है बाकी जो भी होगा वो इसका डोमेन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये वैल्यू अगर रहा सिक्स रहा या टू रहा तो नीचे वाला जो टर्म है वो मेरा जीरो निकल जाएगा। सपोज दैट टू हुआ तो दो का स्क्वायर यहाँ चार हो गया, और माइनस यहाँ पर अगर रखेंगे तो यहाँ सोलह हो गया, और यहाँ चार और यहाँ पर बारह, बारह चार सोलह, प्लस सोलह, हाँ प्लस सोलह होगा, यहाँ पर माइनस सोलह हो जाएगा और 16 माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और अगर नीचे वाला चीज यानी कि डेनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है तो फिर वो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर वो फंक्शन ही अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर उसका डोमेन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो डोमेन इसका जो निकलेगा वो कब निकलेगा, चूंकि एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए कि फंक्शन डिफाइंड हो, तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब ये वाला चीज जीरो ना हो। और अगर ये जीरो ना होगा तो हम लोग जिस तरह से स्प्लिट करके निकालते हैं उस तरह से स्प्लिट कर लेंगे, केवल यहाँ नॉट इक्वल टू दे देंगे और एक्स का वैल्यू जो है वो सिक्स और टू निकला, मीन्स कि इसका डोमेन जो है आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर दो और छह अगर रखेंगे तो ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए उसको हटा करके बाकी जो आर में जितने भी नंबर है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉट की चीज कुछ भी नहीं था, ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में भी हम लोग देख चुके थे कल को, और पिछले क्लास में नहीं देखे मैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ पर एग्जाम्पल नंबर शायद 20 था शायद।